साहब को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और ये सब मुबारकबाद देते हुए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहूँगा कि ऑल ऑफ सडन इतना अच्छा प्रोग्राम किया इस यूनियन ने, और मेरे को तो सुबह ही बताया कि जी आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर जो ये पहले से बता देते तो ये जो ऑडिटोरियम है ये खाली नहीं होता, ये भरा हुआ होता। इस देश के नहीं एक ग्लोबल लीडर है और उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली हुई है, ये कहना कि वो एक समाज के थे, दूसरे समाज के थे, ऐसे थे वैसे थे, ये सब निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर जो मानवता के रूप में अगर जो हम देखें, जो भी मानव रूप में है, चाहे जो भी है, चाहे चाहे इस देश में है और चाहे इस देश के बाहर है, उन सभी को उन्होंने इफेक्ट किया है अपने बिहेवियर से, अपने कर्तव्य से, अपने राइटिंग से। चाहे वो सर्व चाहे वो मजदूर गण है, चाहे वो ऑफिसर गण है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे लेडीज है, मतलब आप देश को लेकर के तो बहुत सी बुराइयां इस देश में थी, उन हर बुराइयों के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया, और इतना कुठाराघात किया कि आज वो बुराइयां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है, मैं बहुत बड़ा वक्तागण नहीं हूं और ना ही मैं बोलने का आदी हूं, लेकिन जब भी मेरे को मौका मिलता है हम सभी को बाबा साहब जैसे अनुभवों का बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है जिससे हमें एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिलता है, एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है। तो जब ऐसा है तो हमें अपने पूरे सच्चे दिल से ही इस तरह का जो है प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए। और इन सब के साथ मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं जो कि मैं देखना चाहता हूं कि वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रहते हुए, क्योंकि अब तो हमारा शायद चांस नहीं है कहीं दूसरे मेडिकल कॉलेज में जाएं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएं। तो 18 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, 4 साल मैंने बहुत पहले काम किया था लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और अब मैं 2004 से हूँ। अभी भी मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे अनुभवों का जन्मदिन मनाने के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं। सभी को आगे आना चाहिए और सभी को जन्मदिन मनाना चाहिए, और जन्मदिन मनाते हुए ये प्रण करना चाहिए कि जैसे डॉक्टर चौकसी ने कहा कि हमें अपने करते हुए निष्ठा का अपना पूरा पालन करना चाहिए, जब हमें पेमेंट मिल रही है जिससे हमारा पेट भर रहा है तो हमें उसके बदले में सरकार तो देख नहीं रही है, सरकार कौन है, हम ही सरकार है, साफ सरकार है, तो हमें पूरा मन धन से और तन से अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए जो कि हमें एक लिमिटेड टाइम में करनी होती है। अगर जो 8 घंटे में टाइम पर अगर जो नौकरी करनी है 8 घंटे, तो 8 घंटे में कम से कम 6.5 घंटे तो पूरा मन लगा करके काम करना चाहिए जिससे हमारा इंस्टीट्यूट दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति कर सके। और उसके बाद जो टाइम मिले, चाहे ऑफिस आवर्स के बाद में और चाहे लंच टाइम में, तभी हमें ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए, तभी हमारा आगे भला हो सकता है। बाबा साहब बहुत बड़ी हस्ती थे, आज अगर जो हम उनकी डिग्री को पूछने लगे तो इस हॉल में जितने भी लोग हैं सारे एक एक में, मेरे को पूरा विश्वास है अगर जो हम एक एक डिग्री काउंट करने लगे तो उनके पास इतनी डिग्रियां थी कि हम उनको पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे देश का सपना सोचा था, उसने सोचा था सभी को बराबर का मौका मिलेगा, बराबर का मौका मिलना चाहिए और तभी एक अच्छा कंपटीशन निकल करके आता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जो कंपटीशन अच्छा नहीं निकलेगा, एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे की अगर जो हम पैरवी करेंगे तो फिर हमारे पास बहुत अच्छा सामान नहीं निकल करके आएगा। जैसा हम इनपुट डालेंगे ऐसा ही इनपुट हमारा बाहर निकलेगा। तो जो जरूरतमंद हैं, जो मेहनती हैं, जो मेरिटोरियस हैं, उनको मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो कोई कमजोर है, कोई कमजोर वर्ग है, अगर जो घर में भी जो कमजोर होता है, जो थोड़ा दुबला पतला रहता है, उसको थोड़ा खाना खाते टाइम ना हम ज्यादा ध्यान देते हैं, भाई ये जरा इसका थोड़ा ध्यान रखो, जो इसको अच्छा लगे वो खाने के लिए दे दो जिससे इसका भी सेहत दुरुस्त हो जाए। तो ऐसे ही अगर जो कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हम जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, जब मैं यहां आया था दिल्ली में मेरे को कोई नहीं जानता था,
मैं एक छोटे से गांव से पढ़ करके आया हूं, उस गांव से पढ़ करके आया हूं जिस गांव में स्कूल नाम मात्र का था, टीचर नहीं आते थे। जब टीचर ही नहीं आएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तो कंपटीशन किसके साथ होगा? स्टूडेंट कैसे कंपटीशन करेंगे? तो मैं चाहता हूं एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी एक कोई ऐसे ही डिस्कशन हो कि एक तरह की एजुकेशन हो, उससे अच्छी तो हो लेकिन एक तरह की एजुकेशन सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, तभी तो कंपटीशन की बात करेंगे हम। अगर जो कंपटीशन मेरिट विदाउट प्रोवाइडिंग द बेसिक एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन, जब हम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे एजुकेशन किसी को, तो कंपटीशन कहां से आएगा? कंपटीशन तभी निकल करके आएगा जब सबको एक जैसी एजुकेशन मिलेगी। यहां कुछ लोग मेरिट की जो ज्यादा बात करते हैं, वो लोग हैं जो या तो किसी कन्वेंट स्कूल में पढ़ लेते हैं, या पैसे देकर के एडमिशन ले लेते हैं, या बहुत बड़ी डिग्री लेने के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर यहां आकर के मेरिट 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 की बात करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जिसके साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं वो कहां से पढ़ करके आ रहे हैं, उसकी बेसिक एजुकेशन क्या है। क्या उस स्कूल में कमरे थे, बैठने के लिए कुर्सियां थी, बोर्ड था लिखने के लिए, चौक था, टीचर था तो पढ़ाता था या नहीं पढ़ाता था, ये कोई नहीं देखना चाहता। मैं किसी के लिए कोई बुरा शब्द ना कहते हुए मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी कर्मचारी गण हैं और जितने मेरे साथी गण हैं, सभी को ये 127वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, और उसके बाद मुबारकबाद इस यूनियन को जिन्होंने जल्दी से ऐसा प्रोग्राम किया। मैं चाहता हूं ये सारे प्रोग्राम जो है वेल प्लान होने चाहिए, अच्छी तरह से प्लान करके करना चाहिए।